if we are in teaching learning, if we are in teaching learning, then sometimes we need to change our teaching learning. हमें अपनी teaching learning को परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है. तो ऐसे में एक quote बड़ा अच्छा है जो मैं अक्सर use करता हूँ, जो एक American futurist Alvin Toffler ने दिया था कि the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. ये जो डिजिटल एजुकेशन का पूरा सिस्टम है, ऑनलाइन एजुकेशन का पूरा सिस्टम है, पिछले 1.5 साल से आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ज्यादा अनुभव किया होगा, कुछ लोग उससे पहले से अनुभव कर रहे होंगे. यहाँ चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेज एट अ रैपिड स्पीड, स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशन आर चेंजिंग, सो मेनी थिंग्स आर चेंजिंग. सो वॉट यू रिक्वायर टू लर्न न्यू थिंग्स, समटाइम्स यू रिक्वायर टू लर्न unlearn old things, and sometime you require to relearn again. Now, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि मैं इतना टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आप लोगों से कह रहा हूँ आप लोग ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में आइए, आप लोग अपने स्कूल एजुकेशन में ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग को इस्तेमाल करिए, तो क्या कि टेक्नोलॉजी टीचर को रिप्लेस कर देगी? ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं. मेरा हमेशा से आंसर होता है दैट नो, टेक्नोलॉजी विल नॉट रिप्लेस द टीचर, टेक्नोलॉजी विल रिमेन देयर विद द टीचर, बट यस, there is a possibility that a teacher who is not using technology may be replaced by a technology enabled teacher. So we all need to learn technology, we all need to use technology, and we all need to be a technology friendly and adaptive teacher. agar mujhe ek teacher online educator banna hai to mujhme kya cheeze mujhe taiyari karni hongi. pehli taiyari jo main aap logo se kehta hu aap sabko karni padegi wo hai, आपको डिजिटली इक्विप्ड होना होगा. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटली इक्विप्डनेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर डिजिटल इक्विप्डनेस मींस आपके पास लैपटॉप है कि नहीं है, आपके पास मोबाइल फोन है कि नहीं है, वो तो होगा, वो तो एक हार्डवेयर है. लेकिन डिजिटल इक्विप्डनेस का मतलब आपको उन सॉफ्टवेयर की भी जानकारी होनी चाहिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं टीचिंग लर्निंग में. द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट आर वी रेडी टू चेंज आवर टीचिंग लर्निंग. हम क्लास में जैसे पढ़ाते हैं, क्या हम उसी तरह से पढ़ाते रहेंगे ऑनलाइन में, या ऑनलाइन में हमारी टीचिंग लर्निंग के मेथड चेंज होंगे? हमें ज़्यादा तैयारी करनी होगी, हमें बहुत क्लैरिटी अपने थॉट्स में लानी होगी, हमें अपनी टीचिंग लर्निंग को वेल प्लान्ड करना होगा, वेल प्रिपेयर होना होगा. और दूसरी चीज, हमारे जो लर्नर्स हैं जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपके साथ कभी कभी बात करता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर बताता हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में उसके साथ दो सॉफ्टवेयर और बता देते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि यस, यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट. टीचर की कई बार ये माइंडसेट होता है कि हम अपने टीचर्स को, अपने स्टूडेंट्स को अपने से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड एक्सेप्ट नहीं कर पाते. कुछ टीचर्स के साथ ऐसा होता है, उनको लगता है टीचर को हमेशा ज़्यादा आता है, स्टूडेंट्स को कम आता है. ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में ऐसा नहीं है. ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में आपको हमेशा इसके लिए तैयार रहना होगा कि आपके लर्नर्स आपसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो सकते हैं, आपसे वेल इन्फॉर्म्ड हो सकते हैं. उसका रीज़न है कि जिस ऑनलाइन वर्ल्ड को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसी ऑनलाइन वर्ल्ड को वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. आपको वो एरिया आइडेंटिफाई करने होंगे, आपको वो स्किल्स आइडेंटिफाई करने होंगे अपने अंदर जिनमें आपको परिवर्तन लाना है. अगर आप उन स्किल्स में चेंज ला पाएंगे तो यू कैन बी अ वेरी गुड ऑनलाइन एजुकेटर. वो स्किल्स क्या हो सकती हैं? जो बहुत बेसिक स्किल्स हैं उनकी मैं बात करता हूँ. एक अच्छे डिजिटली इक्विप्ड टीचर में जो पहले स्किल होनी चाहिए वो ये कि वो इंटरनेट की दुनिया में, वेब वर्ल्ड में बेहतर ऑथेंटिक वेब बेस्ड कंटेंट ढूंढ सके. What do we mean by authentic web-based content? मान लीजिए आप अपनी क्लास में एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि you are teaching about cell division in a biology class. And you may be teaching it at 11th class, you may be teaching it at 7th class, you may be teaching it at 9th class. Now, आपकी ऑनलाइन क्लास है, आपने सेल डिवीजन के बारे में बताया, बच्चों ने कहा हमें और पढ़ना है, आप गूगल पर गए, आपने यूट्यूब खोला, सेल डिवीजन के 10-12 वीडियोज थे, आपको उसमें से 6-7 वीडियो अच्छे लगे, आपने उनके लिंक कॉपी किए, स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए कि दीज आर द लिंक्स ऑफ द वीडियो ऑन सेल डिवीजन, यू वॉच इट एंड यू विल लर्न. नाउ द थिंग इज, क्या मेरा बच्चा एक कंसेप्ट को समझने के लिए 8 वीडियो देखेगा? सो दिस इज नॉट द स्किल टू फाइंड द रिसोर्स एंड पुश इट. नो, बम्बार्डिंग ऑफ द कंटेंट इन ऑनलाइन एनवायरमेंट इज नॉट ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग. अ गुड टीचर फर्स्ट वॉच द वीडियो,
decide that which video is useful for 6th class student, which video is useful for 9th class student, and which video is useful for 11th class student. Whether the video is matching with my teaching learning expectations or learning expected learning outcomes. Only then, if you share only one or two video in place of 9 or 10, that means you have shared only the authentic content. You have evaluated the content and you find that this content is very good and very useful and appropriate for my learners. तो ये स्किल आपको जनरेट करनी होगी अपने में एज ए टीचर कि मैं एक ऑथेंटिक वेब बेस्ड कंटेंट कैसे आइडेंटिफाई करूं. उसके लिए मेरे अंदर बेसिक आईसीटी स्किल्स होनी चाहिए, मुझे कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, मुझे इंटरनेट पर सर्फिंग करनी आनी चाहिए, मुझे सर्च इंजन इस्तेमाल करने आने चाहिए, मुझे वीडियो डाउनलोड करने आने चाहिए, मुझे ऑडियो फाइल्स देखनी आनी चाहिए. ये जो बेसिक आईसीटी स्किल्स हैं मुझे चाहिए. एक डिजिटली इक्विप्ड टीचर केवल इंटरनेट पर बैठकर सर्च इंजन पर काम नहीं करता, केवल किसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में बैठकर पढ़ाता नहीं है, बल्कि वो सोशल मीडिया को इंटरेक्ट करता है, इंटीग्रेट करता है. तो मैं अपने लर्नर्स के साथ कनेक्शन कैसे बनाऊं, मैं कैसे सोशल मीडिया को इफेक्टिवली यूज करूं. सोशल मीडिया मीन्स मैं कैसे फेसबुक को बेहतर यूज करूं, कैसे व्हाट्सएप को बेहतर यूज करूं, कैसे टेलीग्राम को बेहतर यूज करूं, या जितने भी इस तरह के अवेलेबल मैं ट्विटर को कैसे बेहतर यूज करूं. तो ये जो सोशल मीडिया टूल्स हैं इनको टीचिंग लर्निंग के लिए मैं कैसे बेहतर यूज कर सकता हूँ. हम सब टूल्स को यूज करते हैं, फेसबुक में हम सबका अकाउंट है, लेकिन हो सकता है इनमें से हम में से कुछ लोग इन अकाउंट्स को केवल अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हो, केवल अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्शंस के लिए, रिलेटिव्स के साथ कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हो, बट हम टीचिंग लर्निंग में कैसे यूज कर सकते हैं. सो दैट कैन बी अ स्किल विच यू नीड टू लर्न. यू नीड टू लर्न हाउ टू क्रिएट एंड पोस्ट ई कंटेंट. कि आपको अगर ई कंटेंट अपना बनाना है, आपको अच्छा ई कंटेंट नहीं मिल रहा है, आपको अपना वीडियो बनाना है, अपना ऑडियो बनाना है, अपनी इमेज बनानी है, तो आपको उन्हें बनाना आना चाहिए, उन्हें अपलोड करना आना चाहिए अगर रिक्वायर्ड है तो, और डिजिटल मीडियम्स के साथ ठीक से कम्युनिकेट करना आना चाहिए. शैली एक बहुत अच्छे रिसर्चर हुए, उन्होंने एक पेपर लिखा डिजिटल इक्विप्टनेस पर, उन्होंने एक टर्म यूज किया कि आज के जमाने में टीचर के पास और लर्नर के पास डिजिटल सिटीजनशिप होनी चाहिए. तो जो डिजिटल सिटीजनशिप है वो आपको भी लेनी होगी. चैलेंजेस हमारे सामने क्या है. पहला चैलेंज है हम में से कुछ टीचर्स के साथ डिजिटल इलिटरेसी. हम डिजिटल वर्ल्ड से दूर भागते हैं, हम इंटरनेट से दूर भागते हैं. भूल जाइए इस पैंडमिक को, अगर ये पैंडमिक नहीं आया होता तो शायद इतनी तेजी से हम में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की तरफ नहीं गए होते. इसका ये मतलब नहीं है कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग देश में नहीं हो रहा था, हो रहा था, बहुत सारे टीचर्स कर रहे थे, बहुत सारे स्कूल्स कर रहे थे, लेकिन एक समस्या ऐसी आई कि हम सबको इसके बारे में सोचना पड़ा, हम सबको इसके बारे में लिटरेट होना पड़ा. लेकिन डिजिटल इलिटरेसी एक बड़ी समस्या है. डिजिटल फोबिया, डर, इंटरनेट को इस्तेमाल करने का डर, फेसबुक पे स्टूडेंट की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का डर, व्हाट्सएप ग्रुप के स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में खुद को जोड़ने का डर. तो ये जो डिजिटल फोबिया है हमें इससे भी बाहर निकलना होगा. अब पूर इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रॉब्लम है, जिसकी बात मैं पिछले लेक्चर्स में भी कर चुका हूँ कि कई बार लर्नर एंड पर उतने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ बैंडविड्थ की प्रॉब्लम है, वहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, वहाँ स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है. तो ये एक बड़ा चैलेंज है जो हमें डिजिटल लिटरेसी में रुकावट करता है. स्टूडेंट के टीचर्स के ट्रेनिंग और स्किल्स की अपॉर्चुनिटीज कम हैं. अभी हमें हर एक टीचर को ट्रेन करना होगा. कोई भी स्कूल का टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन से जुड़ा ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए जिसमें बेसिक डिजिटल स्किल्स नहीं हो. सो वी नीड टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट अमंग द टीचर्स, एंड वी नीड टू क्रिएट अ कंड्यूसिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर दैट. एक मजाक में एक बात कही जाती है जो मैंने यहाँ लिखी है, डोंट माइंड इट, बट इट इज अ इशू दैट एजुकेटर्स आर वेरी स्लो लर्नर्स एंड वेरी स्लो अडेप्टर्स. एक तो एजुकेटर्स बहुत जल्दी चीजें सीखना नहीं चाहते, और कई बार वो सीख तो लेते हैं लेकिन फिर वो उसको इस्तेमाल करने में और देरी करते हैं. तो हमें ये जो स्लो स्लो जुड़ा हुआ है एजुकेटर्स के साथ और वेरी स्लो जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा कम करने की जरूरत है. आइए अब मैं जल्दी से आपको बताऊं कि OERs के अलावा बहुत सारे डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज हैं जो हम लोग अपनी टीचिंग लर्निंग में इस्तेमाल करते हैं, उनमें हम क्या कर सकते हैं. मजेदार बात यह है कि एक सबसे कॉमन रिसोर्स जो सबसे ज्यादा टीचर्स यूज करते हैं अपने लेक्चर्स में, अपने फेसबुक लाइव लेक्चर्स में, मैं भी इस्तेमाल करता हूं बहुत ज्यादा, दैट इज कॉल्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक बहुत बेसिक टूल है.
और ये इंटरनेट पर भी यूज होता है, विदाउट इंटरनेट क्लासरूम में भी यूज होता है। लेकिन जब हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के लिए पावर पॉइंट बनाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या मूलभूत बातें, क्या बेसिक चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, जो गलतियां हमें एक ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के लिए अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो नहीं करनी चाहिए। पहली बात, तो जब हम पावर पॉइंट अपना बनाएं, कोई भी पावर पॉइंट, तो कलर कॉम्बिनेशंस का बहुत ध्यान रखें। कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर एंड द बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड से हमेशा कंट्रास्ट कलर लेना चाहिए। अगर रेड डार्क कलर का बैकग्राउंड है तो यू प्रेफर व्हाइट टेक्स्ट, और अगर लाइट कलर का बैकग्राउंड है देन यू प्रेफर ब्लैक और डार्क ब्लू कलर एज ए वेरिएशन ऑफ ब्लैक ऑन अ व्हाइट बैकग्राउंड, क्योंकि वो विजिबिलिटी उससे क्लियर होती है। दूसरी चीज, हमें हर एक स्लाइड में अलग अलग फॉन्ट यूज नहीं करने चाहिए, अलग अलग साइज के फॉन्ट यूज नहीं करने चाहिए। वी शुड कीप द यूनिफॉर्म फॉन्ट टाइप एंड साइज थ्रू आउट स्लाइड्स। तो जितने भी स्लाइड हम बना रहे हैं सब में अपना फॉन्ट टाइप और साइज एक जैसा रखें। अब अगर हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीजें एक स्लाइड में नहीं डालें, क्योंकि जब हम बहुत सारी चीजें एक स्लाइड में डालते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि अगर हम चार चीजें दिखा रहे हैं तो हमारा टीचर किसके बारे में बात कर रहा है, पहले के बारे में, दूसरे के बारे में, तीसरे के बारे में। क्योंकि ऑनलाइन में इंटरेक्शन उतना नहीं होता जितना क्लासरूम में होता है, आपको बार बार स्टूडेंट होल्ड नहीं करा सकता। सो यू कीप वन कंसेप्चुअल एंटिटी इन वन स्लाइड। देन अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो चार पांच लाइन से ज्यादा टेक्स्ट एक स्लाइड में मत रखिए, पॉइंट्स में रखिए। स्लाइड ओरिएंटेशन ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के लिए 16:9 हम लोग सजेस्ट करते हैं। आजकल के जो नए लैपटॉप्स हैं वो ऑलरेडी 16:9 लेकर आते हैं, नहीं आते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। वो जो लोग पावर पॉइंट यूज करते हैं उनको पता होता है कि वो कैसे यूज होता है। देन फॉन्ट कैसे यूज करें, कौन से फॉन्ट यूज करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। दो तरह के फॉन्ट जनरली कंप्यूटर में होते हैं, कुछ को हम सेरिफ फॉन्ट्स कहते हैं और कुछ को हम सेंस सेरिफ फॉन्ट्स कहते हैं। सेरिफ फॉन्ट्स जैसे अपराजिता है, टाइम्स न्यू रोमन है, कैम्ब्रिया है, कुरियर है। अगर आप इन फॉन्ट्स को देखेंगे तो आपको इन फॉन्ट्स में एजेस दिखेंगे, जैसे अपराजिता का ए देखिए, टाइम्स का टी देखिए, तो इनको जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े डिजाइनर हैं। जब हम बहुत ज्यादा टेक्स्ट ऐसे डिजाइनर कॉर्नर वाले फॉन्ट में लिखते हैं तो इसकी रीडेबिलिटी कम हो जाती है, रीडेबिलिटी कम हो जाती है। तो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर आप पावर पॉइंट बना रहे हैं तो वहां सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज करें। सेंस सेरिफ फॉन्ट मींस ऐसे फॉन्ट जिनके कॉर्नर्स या एजेस नहीं होते, जो बहुत डायरेक्ट फॉन्ट होते हैं, जैसे सेंचुरी है, एरियल है, कैलिब्री है, और भी बहुत सारे सेंस सेरिफ फॉन्ट्स आपको मिलेंगे। तो फॉन्ट बहुत ध्यान से चूज करें, पावर पॉइंट में आप लोग सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज करें, जो मेरा सजेशन है। बाकी आप लोग माने ना माने आपकी इच्छा है, जो मेरा अपना अनुभव है इतने दिनों का ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में पढ़ाने का, उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को जब हम पढ़ाते हैं तो स्लाइड्स में हमें सेंस सेरिफ फॉन्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए। सेरिफ फॉन्ट्स की रीडेबिलिटी सेंस सेरिफ फॉन्ट्स के मुकाबले कम होती है। तो ये जितने भी फॉन्ट सेंचुरी, एरियल, कैलिब्री, इस टाइप के फॉन्ट्स हैं, हमें वो यूज करनी चाहिए। जैसे मैं मोस्टली कैलिब्री यूज करता हूँ अपनी स्लाइड्स में। हमें पिक्चर्स यूज करने चाहिए पावर पॉइंट्स में ज्यादा, टेक्स्ट कम यूज करना चाहिए। जितना हम इमेजेस को यूज करेंगे, और इमेज हमारे कंटेंट से मैचिंग होनी चाहिए। अगर मैं साइंस की, मॉडर्न इंडिया में साइंस की बात कर रहा हूं, तो मेरी जो नीचे की इमेज है वो मॉडर्न साइंस को रिफ्लेक्ट कर रही है। ये एक लेक्चर का कवर स्लाइड हो सकता है। कई बार हम लोग बैकग्राउंड इमेजेस यूज करते हैं। मान लीजिए मैं एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कोई स्लाइड बना रहा हूँ, आर्यभट्ट पर कोई स्लाइड बना रहा हूँ, तो मैं एक अगर बैकग्राउंड एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड इमेज ले लूंगा तो शायद उस स्लाइड का इम्पैक्ट बच्चे के दिमाग पर ज्यादा पड़ेगा अगर एक प्योर वाइट बैकग्राउंड की स्लाइड है तो। मैं अगर उसका इमेज मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, इमेज मिल सकता है, तो हम इमेज भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इफ यू आर यूजिंग अ इमेज टू रिफ्लेक्ट समथिंग और टू टेल सम इम्पॉर्टेंट थिंग, देन डोंट राइट एनी टेक्स्ट ऑन द इमेज। ऑलवेज पुट इमेज ऑन अ साइड एंड टेक्स्ट ऑन अनदर साइड। जैसे यहां मैंने एक तरफ टेक्स्ट लिखा है और एक तरफ इमेज लिखा है। देन इफ यू आर यूजिंग एनी रीजनल लैंग्वेज, आप हिंदी में स्लाइड्स बना रहे हैं, अंग्रेज उड़िया में स्लाइड्स बना रहे हैं, पंजाबी में स्लाइड्स बना रहे हैं, बंगाली में स्लाइड्स बना रहे हैं, तब आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप यूनिकोड फॉन्ट यूज करिए। यूनिकोड फॉन्ट सिस्टम इंडिपेंडेंट फॉन्ट होते हैं, तो अगर किसी कंप्यूटर में कोई पर्टिकुलर फॉन्ट नहीं भी पड़ा है तो भी उसका टेक्स्ट गड़बड़ नहीं होगा। तो आपको यूनिकोड फॉन्ट यूज करने चाहिए। आजकल हम लोग स्लाइड्स में बैकग्राउंड में इमेजेस की जगह कुछ वीडियो भी यूज कर सकते हैं। जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि मैंने एक बर्निंग कैंडल का वीडियो यूज कर रखा है, तो इस तरह के छोटे वीडियो भी फ्रीली अवेलेबल हैं। मैं आपको बताऊंगा कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो भी हम अपने बैकग्राउंड इमेज में यूज कर सकते हैं।
कई बार हम एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो कई तरह के ट्रांजिशंस आते हैं, हम ये ट्रांजिशंस भी यूज कर सकते हैं। ये ट्रांजिशंस पावर पॉइंट बनाते समय यूज होते हैं। जब हम टाइटल स्लाइड बनाते हैं तो हमें टाइटल स्लाइड थोड़ी मीनिंगफुल, थोड़ी अट्रैक्टिव बनानी चाहिए। अट्रैक्टिव टाइटल स्लाइड बनानी चाहिए मीन्स कि हमें कोई इमेज यूज करनी चाहिए, कोई ग्राफिक यूज करना चाहिए, केवल प्लान ब्लैंक टाइटल स्लाइड नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि देखिए जो इंटरेक्टिविटी है, जो लर्नर को अट्रैक्टिवनेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इमेजेस का, एनिमेशंस का, वीडियोस का यूज करके अपनी टाइटल स्लाइड को, अपनी टेक्स्ट स्लाइड को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको टेबल्स यूज करनी है तो टेबल्स बहुत ज्यादा टेक्स्ट, बहुत ज्यादा रोज और कॉलम वाली टेबल यूज ना करें। एक बार में 2-3-4 कॉलम और 2-3-4 रो की टेबल ही यूज करें। अगर ज्यादा रोज है तो आप टेबल को ब्रेक कर लीजिए 4-5 स्लाइड में और थोड़ा थोड़ा पोर्शन शो करिए, क्योंकि जितना हैवी कंटेंट होगा स्लाइड पे उतना लर्नर्स को उसे देखने में, उसको समझने में दिक्कत आएगी। कई बार हम लोग बैकग्राउंड में इमेज यूज करते हैं और उसके ऊपर सीधे सीधे कंटेंट लिख देते हैं। अगर हम सीधे सीधे कंटेंट लिख देते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो इमेज के फॉन्ट में मर्ज हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स डाल सकते हैं और उस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में टेक्स्ट लिखें, ताकि इमेज का इंपैक्ट भी रहे और टेक्स्ट भी क्लियरली विजिबल हो। सो दिस यू कैन ऑल्सो डू व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर पीपीटी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पीपीटी। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इफ यू आर सर्चिंग अ कंटेंट बाई यूजिंग गूगल, आपको कोई टेक्स्ट फाइल ढूंढनी है, कोई वेब पेज ढूंढना है, कोई इमेज ढूंढनी है, हम क्या करते हैं, हम गूगल में जाते हैं, हम उसके सर्च बॉक्स में अपना कीवर्ड डालते हैं। जैसे यहां मैंने डाला सेल डिवीजन, जैसे ही मैंने सेल डिवीजन डाला, यहां देखिए बहुत सारे पेज दिख गए, विकिपीडिया के दिख गए और भी नीचे बहुत सारे पेज दिखेंगे। बट आई एम नॉट श्योर कि ये क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसेस के साथ आता है या नहीं आता। आई एम नॉट श्योर कि ये कंटेंट मैं रीयूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। सो व्हाट आई विल डू, अगर आप यहां देखेंगे तो यहां ये जो ऑप्शन है इस सर्च बॉक्स के नीचे, यहां एक ऑप्शन है सेटिंग। यू जस्ट क्लिक ऑन द सेटिंग ऑप्शन एंड देन यू गो टू द एडवांस सर्च ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, अपना कीवर्ड डालना है गूगल सर्च बॉक्स में, जितने भी वेब पेज दिखेंगे सबसे पहले इसके नीचे सेटिंग के ऑप्शन में आना है, सेटिंग के ऑप्शन से एडवांस सर्च ऑप्शन में आना है। व्हेन यू विल क्लिक ऑन एडवांस सर्च ऑप्शन तो ऐसे एडवांस सर्च का पेज खुलेगा। उस पेज में आप नीचे आइए तो सबसे नीचे वहां लिखा होगा यूसेज राइट। इस यूसेज राइट में यहां लिखा होगा नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंस, ये डिफॉल्ट होगा। बट आप क्या करेंगे, आप यहां चूज करेंगे कि मुझे उसको खाली शेयर करना है, मुझे कॉमर्शियली यूज करना है, मुझे मॉडिफाई करना है, मुझे मॉडिफाई करके कॉमर्शियली यूज करना है, जो मैंने लाइसेंसेस के नाम आपको बताए। तो यहां बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यू कैन चूज एनी लाइसेंस अकॉर्डिंग टू योर नीड। जैसे ही आप उसको चूज करेंगे और इसको सबमिट करेंगे, अब आपको दूसरे तरह का कंटेंट दिखेगा। देखिए ये जो गूगल का वेब पेज है, यहां ये जो मुझे दिखा रहा है, ये कंटेंट वो ओपन टेक्स्ट से दिखा रहा है। ओपन टेक्स्ट बायोलॉजी की एक फ्रीली अवेलेबल टेक्स्ट बुक है, इसका मतलब एक OER लाइसेंस के साथ ये कंटेंट आ रहा है। तो अब मुझे केवल वो कंटेंट शो होगा जो OER लाइसेंस के साथ दिख रहा है। अब मुझे ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जो कंटेंट मेरे सामने आ रहा है वो OER लाइसेंस के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दीज थ्री स्टेप्स, दैट वॉट एवर यू आर सर्चिंग यू पुट द कीवर्ड, देन यू गो टू द सेटिंग, गो टू द एडवांस सर्च ऑप्शन, देन इन द एडवांस सर्च ऑप्शन go at the bottom of the page, see the link uses right, click on your choice, free to use, free to share, commercial, non-commercial, and click it, and then you will get the content, you can explore it. So in this way you can search any content on Google which is a OER content, which is an OER content, right? ऐसे ही हम YouTube पर वीडियो ढूंढते हैं। मुझे मान लीजिए सेल डिवीजन का वीडियो YouTube पर ढूंढना है। अभी मुझसे कोई पूछ रहा था क्वेश्चन में कि सर YouTube पे वीडियो हमें कैसे पता लगेगा कि वो OER लाइसेंस के साथ है नहीं है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो व्हेन यू गो इन द सर्च बॉक्स ऑफ YouTube, आप अगेन अपना कीवर्ड डालेंगे, जैसे यहाँ मैंने सेल डिवीजन डाला है तो यहाँ कुछ सेल्स डिवीजन के वीडियो दिख रहे हैं। बट आई एम नॉट श्योर कि ये वीडियो मेरे यूज का है या नहीं है, ये वीडियो एक क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, आप यहाँ देखिए सर्च बॉक्स के नीचे एक ऑप्शन है फिल्टर, ये फिल्टर लिखा हुआ जो ऑप्शन है, यू जस्ट क्लिक ऑन इट। When you will click on this filter option, many options will appear. कि कब अपलोड हुआ, आपको वीडियो देखना है, चैनल देखना है, प्लेलिस्ट देखना है, मूवी देखनी है, कितने ड्यूरेशन का वीडियो देखना है, 4 मिनट का देखना है, 20 मिनट से कम का देखना है, 20 मिनट से ज्यादा का देखना है, किस क्वालिटी का देखना है, लाइव वीडियो देखना है, 4K क्वालिटी का देखना है, हाई डेफिनेशन क्वालिटी का देखना है, सब टाइटल्स के साथ देखना है। वही एक ऑप्शन है क्रिएटिव कॉमन्स। सो यू पुट
a keyword in the search box, click on the filters and click on Creative Commons. जैसे ही आप क्रिएटिव कॉमन्स पर क्लिक करेंगे, अब जो वीडियो आपके सामने आएगा, now the video which you will watch, only those videos will appear which are with Creative Commons licenses. तो अब आपको Creative Commons licenses के साथ YouTube पर अवेलेबल वीडियो सर्च हो जाएंगे. So this is a very good way through which you can search it. Now if you still want to check that whether this video is a video with CC license or not, then अब उस वीडियो को क्लिक करिए, उसके नीचे जाइए, वहां डिटेल्स होंगे. तो उस वीडियो के नीचे डिटेल्स में लिखा होगा क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड. तो हर वीडियो जो सीसी लाइसेंस के साथ अपलोड होता है उसके डिटेल में ये नीचे बॉटम में लिखा रहता है दैट दिस वीडियो इज अंडर द लाइसेंस ऑफ क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन लाइसेंसेज यूट्यूब रीयूज अलाउड. सो नाउ यू कैन सर्च द वीडियो ऑल्सो. सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन थ्रू विच यू कैन सर्च एनी क्रिएटिव कॉमन्स licensed video on YouTube. तो अभी मैंने आपको बताया how you can search any text content, how you can search any web page with Creative Commons license. मैंने आपको बताया how you can search any video. Now I'm going to tell you how you can search any image. आपको अपना PowerPoint बनाना है, उसके लिए आपको image चाहिए. आप हर एक image अपने PowerPoint में use नहीं कर सकते. अगर आप public domain में online video use कर रहे हैं तो आपको free image चाहिए. Free image के लिए बहुत सारे websites हैं. एक बहुत अच्छा website है Pixabay. pixabay.com. अगर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आपको छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के वीडियो क्लिप्स भी देता है और बहुत सारी इमेजेस की रिपोजिटरी भी है, बहुत सारे स्केचेस की रिपोजिटरी भी है. तो अगर आप इसमें सर्च करेंगे और जब आप उसको इमेज को ओपन करेंगे तो उसमें डाउनलोड का ऑप्शन होगा. अगर उस इमेज के साथ डाउनलोड का ऑप्शन है, इसका मतलब वो इमेज अवेलेबल है और आप उस इमेज को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं. हालांकि जो पिक्साबे पर इमेजेस आती हैं उसमें फर्स्ट रो पेड इमेजेस की आती है तो वो हमें अवॉइड करनी चाहिए. उसके नीचे लिखा होता है फ्री इमेजेस, हमें केवल वो इमेज देखनी चाहिए. और जब आप वो इमेज डाउनलोड करते हैं तो पिक्साबे आपको ये फ्रीडम देता है कि आप एट्रीब्यूशन ना दें तो भी कोई बात नहीं. मतलब ये एट्रीब्यूशन कंपल्सरी नहीं करता कि आपको इमेज बनाने वाले का, इमेज अपलोड करने वाले को क्रेडिट देना ही है. बट एज आवर हैबिट, एज आवर गुड प्रैक्टिस, we always should give a credit to the author or the image creator, even if the creator has given the freedom to you that it is not compulsory. Isi tarah se Flickr ek bahut achhi website hai, wahan se aap bahut sare images you can download. Then Pexel is very good website from where you can download the images as well as the videos, free videos, free photos for use in your teaching learning, in your PowerPoint, to make your PowerPoint, to you make your teaching learning very attractive. आप पैक्सल से सर्च कर सकते हैं. अगर आपको गूगल पर सर्च करना है, इन पर नहीं जाना है, तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि जब आप गूगल के सर्च बॉक्स में कोई कीवर्ड डालते हैं और उसको आप सर्च करते हैं तो इसी सर्च बॉक्स के नीचे एक ऑप्शन आता है टूल. जब आप इस टूल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस टूल ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक यूसेज राइट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा. आप वहां क्लिक करिए, वहां लिखा होगा ऑल Creative Commons and Commercial Other License. So if you will click on Creative Commons, if you will click on Creative Commons, then you will get only the images with Creative Commons licenses. फिर आप उस इमेज के वेब पेज पर जाइए, उस इमेज को क्लिक करिए, उस इमेज को डाउनलोड करिए, उसकी conditions पढ़िए कि वो किस condition के साथ आपको allow कर रहा है, and then you can use it. इसी तरह से अगर हमको background music चाहिए तो royalty free music use करना चाहिए. हमें किसी फिल्म का, किसी का बनाया हुआ कॉपीराइटेड म्यूजिक यूज नहीं करना चाहिए. सो देर आर फ्यू वेबसाइट्स विच गिव्स यू अ बैकग्राउंड म्यूजिक ऑल्सो. सो bensound.com इज वन वेबसाइट, FMA फ्री म्यूजिक आर्काइव इज अनदर वेबसाइट, एंड देर इज अ वेरी गुड यूट्यूब चैनल कॉल्ड रॉयल्टी फ्री म्यूजिक. सो यू कैन यूज आइदर रॉयल्टी फ्री म्यूजिक और FMA और bensound.com टू डाउनलोड द बैकग्राउंड म्यूजिक क्लिप्स विच यू कैन यूज इन योर लेक्चर्स, विच यू कैन यूज इन योर वीडियोज. If you are creating your own e-content, आप लोगों ने अगर मेरे YouTube चैनल पर मेरे वीडियो देखे हैं तो मैं बहुत सारे वीडियोज में बैकग्राउंड में म्यूजिक यूज करता हूँ जस्ट टू मेक द वीडियो अ बिट मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरैक्टिव. सो दोज वीडियोज यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दीज वेबसाइट्स. देन वेयर यू कैन होस्ट द वीडियो. अगर आप अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो जैसे आप मेरे Facebook लाइव की वीडियो मेरे Facebook पेज पर देखते हैं, अभी आप लाइव देख रहे हैं, ये सारे वीडियो वहाँ ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाते हैं. तो एनीवन कैन वॉच दीज वीडियोस इवन आफ्टर द सेशन.
आपको 10 बार देखने की जरूरत है, 6 महीने बाद देखने की जरूरत है, 2 दिन बाद देखने की जरूरत है, 1 साल बाद आप कुछ देख रहे हैं, आपको लगता है कि मैंने किसी लेक्चर में ये एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, तो आप फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। तो अगर एक टीचर, एक स्कूल, एक डिपार्टमेंट अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर ले, तो उस स्कूल के सारे टीचर, उस डिपार्टमेंट के सारे टीचर या वो टीचर खुद अपने कंटेंट वहां अपलोड कर सकता है। अगर आप रेगुलर वीडियो बनाने वाले हैं तो फिर आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, जहाँ मैंने बीएड के लिए बहुत सारे वीडियो बनाकर अपलोड किए थे ड्यूरिंग द लास्ट पेंडेमिक, तो आप वहाँ वीडियोज देख सकते हैं। सो यू कैन क्रिएट इंस्टीट्यूशनल यूट्यूब चैनल, यू कैन क्रिएट योर ओन यूट्यूब चैनल, यू कैन क्रिएट योर क्लास यूट्यूब चैनल, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। आजकल हमारे सामने एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी स्वयंप्रभा के फॉर्म में है। देर आर 34 एजुकेशनल टेलीविजन चैनल्स जिनके अपने यूट्यूब चैनल भी हैं, तो ये टेलीविजन पर आते हैं, फ्री टू एयर हैं, विद्यार्थियों के लिए हैं। और अगर आप swayamprabha.gov.in की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां आपको सारे चैनल्स की डिटेल मिलेगी। अक्टूबर 2020 से इसमें से 12 चैनल केवल स्कूल एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड हैं। स्कूल एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है मींस कक्षा 1 से कक्षा 12 तक हर कक्षा के लिए एक एक टेलीविजन चैनल है। क्लास 1 के लिए एक, क्लास 2 के लिए एक, क्लास 3 के लिए एक, क्लास 4 के लिए एक, ऐसे क्लास 12 तक। और ये 12 के 12 टेलीविजन चैनल फ्री टू ईयर हैं, 24 घंटे आते हैं, एनसीईआरटी इनको मैनेज करती है, वहाँ पर सीआईटी जो है वो इनकी नोडल एजेंसी है। इसको वन क्लास वन चैनल प्रोजेक्ट भी कहते हैं, इसको हम लोग पीएम ई विद्या योजना भी कहते हैं, अलग अलग नामों से इसे जानते हैं, बट दिस इज अ वेरी गुड फॉर स्कूल टीचर्स, इट इज अ वेरी गुड चैनल। And if you are a teacher educator, if you are a trainee teacher, if you are a B.Ed. student, then for you there is a channel called Channel 20. So Channel 20 जो है वो teacher education का channel है। आप Channel 20 को tune in करिए। आपको रोज 2 घंटे का content B.Ed. पर वहाँ मिलता है। B.Ed. के different courses के lectures, चाहे वो teaching learning का course है, pedagogy of science का course है, और भी बहुत सारे courses हैं जो B.Ed. curriculum के हैं, उनके videos वहाँ लगातार 24 घंटे आते हैं। तो आप अगर वो चैनल 20 देखते हैं तो आप चैनल 20 में टीचर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। आप वो चैनल कैसे देखेंगे? अगर आपके पास डीडी फ्री डिश का एंटीना है, अगर आपके घर में डिश टीवी है, या अगर आपके मोबाइल में जियो टीवी का ऐप है, तो आप स्वयंप्रभा के चैनल्स देख सकते हैं किसी भी समय। हर एक स्वयंप्रभा चैनल का अपना यूट्यूब चैनल है, जैसे ये स्वयंप्रभा चैनल 20 का यूट्यूब चैनल है। तो जितने भी वीडियो हम बनाते हैं वो सारे वीडियो इन चैनल्स पर अवेलेबल रहते हैं। ये बेसिकली टीचर्स के लिए चैनल है चैनल 20। तो चैनल 20 के आप लोग वीडियो जो हैं वो देख सकते हैं। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको इस्तेमाल करके मैंने इस पावर पॉइंट को बनाया है। यू नो हाउ टू फाइंड द कंटेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट, ओईआरस होते क्या हैं, ओईआरस कैसे काम करते हैं, ओईआरस को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल से हम कैसे कंटेंट सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का सत्र समाप्त करता हूं। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।